हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सलजम की भुर्जी की रेसिपी। देखिए अभी स्टार्टिंग है तो सलजम तो मोटी नहीं आ रही हैं, सलजम तो बारीक है, लेकिन पत्ते बहुत ही अच्छे हरे और मुलायम आ रहे हैं, तो इनकी भुर्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अब मैं आपको बनाना बताऊँगी सलजम की भुर्जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले ये सलजम ले ली हैं। अभी देखिए पत्ते तो बहुत हरे हैं लेकिन सलजम बहुत छोटी छोटी हैं। लेकिन अब हम इनको, ये देखिए अब इनको हम बारीक बारीक बिल्कुल काट लेंगे। अब ये देखिए ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सलजम के पत्तों को काट लिया है और इसमें जो सलजम है छोटी छोटी वो भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से पानी में डालकर धो लेंगे और देखिए धोने के बाद इसे हम छलनी में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए अच्छे से, नहीं तो हमारी भुर्जी में फिर पानी रहेगा तो उसमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट के लिए छलनी में इसे रख दीजिए जिससे कि पानी अच्छे से सोख जाए। उसके बाद मैंने ये आलू काट लिए बिल्कुल बारीक बारीक, आलू मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें। और ये मैंने प्याज लिया, हरी मिर्च ली है और ये मैंने काट लिया लहसुन और अदरक। देखिए लहसुन इसमें भुर्जी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा काटिएगा। और अब ये देखिए मैंने ले लिए सारे मसाले। तो अब हम अपनी भुर्जी को फ्राई करने के लिए ले लेते हैं लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल देंगे सबसे पहले सरसों का तेल। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में कोई भी खाना बनाने से खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद मैं सबसे पहले डाल दूँगी इसमें लहसुन और अदरक, क्योंकि अदरक लहसुन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे डालने के बाद 2 मिनट चलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपनी प्याज। अब प्याज को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएँगे और हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की गोल्डन हो जाएगी तो उसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, हल्का गोल्डन होने तक ही पकाना है, तो इससे भुर्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब ये देखिए इसमें डाल दिया मैंने नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग। तो ये मैंने सारे सामान डाल दिए और अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। आलू का अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी सलजम की कटी हुई भुर्जी, ये देखिए, और अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। जब इस तरीके से आप भुर्जी बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी बनेगी और ये हेल्दी भी होगी। अब इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए इसमें पानी काफ़ी सारा हो जाता है तो इसलिए इसे आप मीडियम गैस पर ही पकाइए। अभी देखिए ये हमने देखी कि भुर्जी तो हमारी पक जाती है लेकिन इसमें पानी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फुल गैस करके थोड़ी देर इसे खुला पकाना है जिससे कि वो जो पानी है सारा सोख ले भुर्जी और ये थोड़ी खिली खिली बन जाए। अब जब ये तैयार हो जाएगी तो इसमें डाल देना है थोड़ा सा आंवला पाउडर। आंवले के पाउडर से ये होता है कि इसमें जो खट्टापन है वो भी भुर्जी में अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है। देखिए अमचूर पाउडर थोड़ा सा नुकसान देता है, इसीलिए डेली डेली अमचूर पाउडर मैं सब्जियों में यूज़ नहीं करती हूँ। अभी देखिए सब्जी भुर्जी हमारी तैयार है। अब ये मैंने साथ के साथ सर्विंग बाउल में निकाल ली है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में छोड़ने से उसका रंग काला हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।